Today we will start chapter 18 tangents and intersecting codes and intersecting codes from Salina concise,

हाँ जी बेटा दिस इज अ टेंजेंट चेन ये भी क्या है टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है ना पी पॉइंट और कितने पॉइंट्स पे टच करेगी ओनली वन पॉइंट ये नहीं है कि यहां से यहां तक कहीं पे भी टच कर देगी ओनली वन पॉइंट इज दिस जिस पॉइंट पे टच करती है दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसको पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बोलते हैं इसके अंदर थ्योरम्स का प्रूफ तो है नहीं बेटा सिर्फ थ्योरम की हम स्टेटमेंट्स करेंगे रेडियस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंशेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट देखो ये टेंशेंट है ये रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो यहां पे ये क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे ये रेडियस किस पे टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी समझे बेटा सेकेंड थ्योरम टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट देखो एक एक्सटीरियर पॉइंट से इफ्रा हम कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बोलो बेटा सर टू टू एक इस साइड और दूसरी इस साइड तो टेंजेंट जहां तक पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है वहां तक जो इसकी लेंथ है मतलब पी एंड PB ये आपस में इक्वल होंगे रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ अब इसके साथ बेटा कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद करनी है लर्न करनी है सबसे so, पहला टेंजेंट सब्टैंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल टेंजटेंट इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब इसको बेटा ये एंड पॉइंट से हमारे पास ए पी एंगल बन गया ना मैं वन मार्क कर दिया मैंने बी पी से बी और पी एंड पॉइंट से ये वाला एंगल बन गया ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में इक्वल ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे इक्वल मतलब टेंजेंट्स का मतलब होता है मेक्स इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल मतलब ये लाइन लिख के हम इन दोनों एंगल्स को सीधा इक्वल कर सकते हैं और एक पॉइंट और टेंट आर इक्लाइंट लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर तो ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा थ्री और फोर इसका रीजन टेंट आर इक्वली इनक्लाइंट आर इक्वली मतलब इक्वल इंक्लाइन मतलब इक्वल एंगल टू द लाइन ज्वाइनिंग टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द सेंटर द पॉइंट पॉइंट ये हो गया बेटा एंड द सेंटर सेंटर ऑफ़ द सर्कल समझाया बच्चे yes. मतलब एंगल ये दोनों इक्वल होंगे इसका भी हम सीधा ये रीजन लिख के हम यूज कर सकते हैं इसके बाद <laughs> हम्म

ओके सर एक्सरसाइज एटीन ए जो है इन्हीं दो थ्योरम्स के बेस पे है एक्सरसाइज एटीन ए फर्स्ट सम रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एट सेंटीमीटर कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन to this circle from a point at the center at a distance of टेन सेंटीमीटर from center देखो फिगर नहीं ड्रॉ करेंगे तो हमारा जीरो मार्क्स मिलेगा हमें रेडियस इलेवन कट है इलेवन सा है चाहे इंटरनली टच करें तो उनके सेंटर जो है एक ही लाइन में लाई करेंगे और पॉइंट ऑफ कंटेक्ट में से पास करेंगे ठीक है ये, ये तो यूज करना ही नहीं है हमने सीधा हम इसका स्ट्रेट लाइट नहीं लाइट करेंगे बेटा इसलिए नहीं करवाई मैंने फर्स्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल इज एट कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टेंजेंट यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी कैलकुलेट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ये पी पॉइंट है इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉन है एट ए डिस्टेंस टेन सेंटीमीटर सेंटर से कितना डिस्टेंस है उसका टेन सेंटीमीटर है रेडियस कितना है एट है ओ oh, यहां पे ए हमने ए पी की लेंथ फाइंड करनी है मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया तो अस्लान हाउ वी कैन फाइंड इट हां जी असलान हम कैसे फाइंड करेंगे बेटा ये? नहीं पता समीर यस 3D सर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहां 90 डिग्री एंगल तो है ही नहीं कोई फिर तो पाइथागोरस कैसे लगा देंगे त्रिशी सर एंगल एक मिनट सर दैट सो सो हम उसे एक्स ले लेंगे नहीं बेटा सबसे so, पहले OA परपेंडिकुलर टू AP ठीक है बेटा हम ये वाला एंगल 90 भी तो करेंगे प्रूव हमें गिवन नहीं है ना थ्री हम इसको प्रूव करेंगे रीजन रेडियस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट रेडियस इज बट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है ये एट है ये टेन है नाउ व्हाट इज ए पी मतलब पाइथागोरस थ्योरम अब यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखूं थ्री सो ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क् गलत है yes, it is wrong. मुझे पता चल गया तू मार्क्स ये क्या है नाइन्टी यहाँ पे है ना यस yes, तो हाईपोर्ट न्यूज कौन सा हुआ

एट का स्क्वायर सिक्स एपी स्क्सटी फोर किसके इक्वल स्क्वायर के हंड्रेड माइनस और जो स्क्वायर है वो क्या बन गया स्क्वायर रूट सिक्स सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ ए पी हो गया सर ये गलती है क्या गलती है सर प्लस माइनस सिक्स सेंटीमीटर होगा ओ नहीं वो यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है प्लस माइनस माइनस रिजेक्ट हो जाएगा हाँ क्योंकि लेंथ है ना तो यहाँ पे नो नीड लगाना है लगा दो कोई दिक्कत नहीं है पर माइनस को रिजेक्ट करना पड़ेगा फिर सर हमको बस आपका गलती ढूंढना था कोई बात नहीं सॉरी सर कोई बात नहीं सेकंड सम A, C O D B इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया इन द गिवन फिगर द सेंटर ऑफ सर्कल ए बी फिफ्टीन सेंटीमीटर गिवन है ए सी सिर्फ इतना पार्ट हमें सेवन पॉइंट फाइव गिवन है रेडियस फाइंड करना है हाउ वी कैन फाइंड इट सबसे तो पहले तो ओसी को हम लोग एक्सलेट कर लेंगे सर एक्स क्यू एलेट करेंगे आर इलेट करेंगे ओसी इज आल्सो द रेडियस यस सर ये भी रेडियस है बेटा तो सेंटर टू सर्कल सेंटर टू सर्कल यहां तक रेडियस है ये पूरी साइड 7.5 प्लस आर ये आ जाएगी ये समझ आया बेटा 7.5 प्लस आर क्यों आया ऑल ऑफ यू नाउ क्या करें चिन्मय सर आ, सर ओबी इज परपेंडिकुलर टू एबी

हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ही कर दो ऑलवेज कोई बात नहीं एक स्टेप इंक्रीज होगा और तो कोई दिक्कत नहीं है नहीं सर अदरवाइज तो क्या यस तो आर yes. का होल स्क्वायर ओ बी आर है बेटा आर स्क्वायर ए बी 15 है 15 का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर 7.5 का स्क्वायर बी स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस 2 ए बी 2 7.5 r इसे कर दो आर स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इस 225. 5 का स्क्वायर 25 7.5 आर 56. 7.5 का स्क्वायर क्या आएगा 56.25. आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दो. 7.5 इनटू 2 15 आर. इस 225. 15 आर किसके इक्वल 225 माइंस टू टू फाइव पॉइंट जीरो जीरो छोटे बच्चों की तरह बेटा ऐसे माइनस करना क्योंकि मुझे पता है कि आप माइनस में मिस्टेक करोगे पॉइंट और जो फिफ्टीन जो मल्टीप्लाई है नीचे चला जाएगा फिफ्टीन वन जावन टू थर्टी फाइव इतने सेंटीमीटर तो रेडियस आ गया यस सर किसी को डाउट हो बेटा इसमें एनीवन हैविंग डाउट नो सर नो सर जयंती समझ आया बेटा yes, sir. जी भी आ गई हाँ। ये इंटेलिजेंट हो गई है ज्यादा तेरे को पता है है ना जयंती हाँ सर मुझे पता ही नहीं था नहीं सर तभी तो ये क्लासेस कम लगाती है कि टाइम वेस्ट करने का क्या फायदा सर अभी प्री बोर्ड्स चल रहे सर मैं वो तो चलती रहे ना तो इसे कोई अच्छा सा सम पूछेंगे इजी पूछने का क्या फायदा ठीक है सर सर लेकिन जल्दी पूछ लेना ठीक है हाँ जी हम्म हम 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 धरिया यस सर टू सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रही है चूज अ पॉइंट ऑन द कॉमन टेंजेंट ये कॉमन टेंजेंट है ना क्यों पी दोनों सर्कल की उसपे कोई क्यों पॉइंट है क्यों ए और क्यों बी को इक्वल प्रूफ करना है इससे ज्यादा इजी सम नहीं हो सकता तीन लाइन का सम है क्या करें इस सर्कल को भूल जाओ भूल गए ये क्या है बेटा एक्सटीरियर पॉइंट ये yes, दोनों क्या है दोनों टेंजेंट है तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी हां इक्वल होते फॉर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ टेंजेंट्स फ्रॉम पीरियड पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ लिख लोगे यस सर टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन अब इस सर्कल में इसको भूल जाओ ये दोनों टेंजेंट्स है ना यस सर QB इज QP

मैंने यहां पे क्यों पॉइंट ले लिया कॉमन टेंजेंट पे यहां से एक टेंजेंट ड्रो कर दी एक टेंजेंट यहां से ड्रो कर दी इन दोनों टेंजेंट्स को इक्वल प्रूफ करना है सेम यही चीज क्यों ए क्यों पी के इक्वल बड़े सर्कल में क्यों बी क्यों पी के इक्वल स्मॉलर सर्कल में रीजन वही आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड यही सेम चीज आ जाएगी क्योंकि मैंने नेमिंग भी तभी वही कर दी यही सेम टू तो सेम चीज प्रूफ लिखनी है फोर्थ कर लोगे करूं बेटा मैं कर कर मुझे सर कौन बोला सर कर लेंगे नहीं कौन बोला था पहले सर आवाज भी है ओहो। यही सेम बेटा ये चीज की है ना अब बड़े सर्कल में देख टेंजेंट कौन सी है सौरभ

ठीक है बेटा यही प्रूव करना था हमने फिफ्थ सम सर डायग्राम समझ नहीं आया लास्ट वाले का क्यों नहीं समझ आया बेटा सर जो उन्होंने बोला और आपने ड्रॉ किया हाँ देखो लाइन वाइज करो टू सर्कल टच इच अदर इंटरनली यस सर इंटरनली टच कर रहे हैं पी पे यस सर सो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन टू द टू सर्कल्स

टू सर्कल्स ऑफ रेडिया फाइव एंड थ्री आर कॉन्सेंट्रिक कॉन्सेंट्रिक एंड दो सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक मतलब हैविंग सेम सेंटर दोनों का सेंटर सेम है रेडिया कितने फाइव एंड थ्री कैलकुलेट देंथ ऑफ कोड ऑफ आउटर सर्कल विच टच इज द इनर सर्कल यहां से एक लाइन ये देखो ए बी बिगर सर्कल में ये क्या है ए बी गुरुदेव बिगर सर्कल में ए बी क्या है सर कॉर्ड और स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट uh, टेंजेंट है हमने यही प्रूफ करना इसकी लेंथ फाइंड करनी है हमें रेडियस बिगर सर्कल नेचुरली है बिगर सर्कल का रेडियस फाइव होगा और स्मॉलर का थ्री होगा होगा कि नहीं होगा यस yes, सर अब सबसे पहले ओ ओपी परुलर टू ए बी ए बी रीजन सर टेंजेंट्स फ्रॉम इक्वल पॉइंट ऑफ सर्कल सर्कलर ये कौन सी थ्योरम आ गई सर टेंजेंट ड्रॉन परुलर नहीं लाइन ड्रॉन ये क्या है ये क्या है सर रेडियस फिर यहां से स्टार्ट करने हैं रेडियस रेडियस तो सेंटर से ड्रोन होती है यार ऑलवेज रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलो फिर से बोल रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टू टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हाँ बस ये लिखना है ठीक है लिख लोगे ना

ठीक है यस सर अब इस छोटी सी ट्रायंगल में हम ए फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम चाहे तो ओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओ प्लस ए लिख दो चाहे ए स्क्वायर सीधा लिख दो मैं ए स्क्वायर सीधा लिख रहा हूं कर दे जिसके इक्वल आएगा ओ स्क्वायर माइनस

एपी फोर आ गया AP और BP इक्वल थे तो देयर फोर AB किसके इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ फोर होगा ना yes, यस सर एट सेंटीमीटर ये आंसर आएगा कोई डाउट हो बेटा कि किसी को इसमें नो no. सर no, कोई अमनदीप कहां चली गई आई तो थी वो भाग गई चलो जो सिक्स सम है बेटा ये हमने डाउट क्लास में भी किया था जो अभी डाउट एग्जाम था जिनका यस थ्री सर्कल टच इच अदर एक्सटर्नली ए ट्रायंगल इज फॉर्म व्हेन द सेंटर ऑफ दी सर्कल आर ज्वाइंट टुगेदर अब इसमें क्या करो तीन डिफरेंट साइज के सर्कल बनाओ सबसे पहले एक छोटा बना दिया एक दूसरा जो इसको टच कर रहा है एक बड़ा बना दिया थोड़ा सा एक तीसरा सर्कल जो इन दोनों को टच कर रहा है और बड़ा बना दिया ठीक है सेंटर 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 देखो फिगर कितनी इजीली बन जाएगी इसको ज्वाइन कर दो इसको ज्वाइन कर दो इसको ज्वाइन कर दो इसके सेंटर को ए ले लिया इसके सेंटर को बी इसके सेंटर को सी अब जो ये स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस आर वन ले लिया ये भी आर वन होगा जो ये वाला सर्कल है उसका रेडियस आर टू ले लिया ये भी आर टू होगा इसके रेडियस को आर थ्री ये भी आर थ्री होगा हमें लेंथ ऑफ साइड्स क्या दी एंड ये साइड सिक्स दी है ये साइड एट है और ये नाइन है तो यहाँ पे इफ्रा व्हाट इज ए बी सर आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल सिक्स सेंटीमीटर के इक्वल टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन आर टू प्लस आर थ्री किसके इक्वल सर नाइन एट एट नो सुरीली आ गई एंड आर वन प्लस आर थ्री नाइन तीनों को ऐड कर दीजिए यस सर

नीचे चला गया। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या थी ये रही। सिक्स फिल कर दिया प्लस R3 से आ आ गया। R3 की आ R3, 5 .5 आ गया। की वैल्यू क्या बेटा? सेंटीमीटर अब जो आर थ्री की वैल्यू है सेकेंड और थर्ड में फिल कर दो आर टू एंड आर वन फाइन कर लोग yes, yes, ऐसा कुछ एक में भी था हाँ जी बेटा उसमें भी था आया उचे समाज यस सर जो सेवेंथ वाले सम है वो भी बहुत इजी है जयंती तेरे प्री बोर्ड कब खत्म होंगे सर सेवन को चलो शुक्र है सर सेवन से इसके सुख के दिन आ जाएंगे सर कोई सुख के दिन नहीं आएंगे फिर से प्री बोर्ड ले, ले लेंगे वो क्यों सर बोर्ड आ जाएंगे वो ऐसे चलता है लास्ट में आके तो ये बेटा मैंने पी के ओ आर नेमिंग अपनी तरफ से कर दी ये एक सर्कम साइब uh, कर रही है सर्कल को मतलब क्वारिलेटर साइड सर्कल को टच कर दी है बाहर से जो हमने प्रूफ करना है बेटा वो है ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल बीसी प्लस एडी के प्रूफ बेटा जयंती कैसे करेंगे ये बता सकते हो नहीं नहीं ए पॉइंट से बेटा कौन सी टेंजेंट्स हैं एपी एंड एएस ए एस तो दोनों की लेंथ इक्वल होगी कि नहीं होगी बेटा सर रीजन टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल लेंथ फिर से बोल

देखो तो साथ में सीडी के दो पार्ट हैं तो डीआर डीआर किसके इक्वल होगा जयंती मैं नहीं बताऊंगा अब तूने बताना है टीएस डीएस सीआर किसके इक्वल होगा सीक्यू तीनों चारों का एक-एक रीजन लिख देना टेंजेंट फ्रॉम 18 पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल इन एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ लेफ्ट में लेफ्ट साइड राइट में राइट साइड ए बी एपी प्लस बीपी प्लस डी आर प्लस सी आर किसके इक्वल ए एस प्लस बी क्यू प्लस डीएस प्लस सी क्यू एपी प्लस बीपी क्या बन गया एबी डी आर प्लस सी आर डी सी डीसी सी डी ए एस प्लस डी एस ए डी प्लस सी क्यों बी सी हो गया प्रूफ यही हमने प्रूफ करना था समझाया बेटा ये सम? से फिर से समझा दीजिए बच्चे हमने ये प्रूफ करना है देखो AB प्लस सी डी ए बी के दो पार्ट है एपी प्लस बीपी सी डी के दो पार्ट है डी आर एंड सी आर इसलिए मैंने इन चारों को लेफ्ट में रख लिया ए से दो टेंजेंट हैं चिन्मयी एपी एंड ए एस दोनों आपस yes, में क्या होंगी इक्वल होंगी बी से दो टेंजेंट बीपी एंड बी क्यू इक्वल होंगी डी से डी आर एंड डी एस सी से सी आर एंड सी क्यू ओके सर फिर सब कर दिया ओके सर थैंक यू सर अब जो एट सम है बेटा वो इस पे बेस्ड है uh... क्वारडिलेटर की जगह पैरोग्राम बोल दिया कि एक पैरोग्राम सिस्टम सरकु साइब कर रही है ए बी सी डी पी क्यू आर एस यही था एट साम ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी जो हमने सेवन साम में प्रूव किया था ना वो सेम टू सेम हमें एट साम में भी प्रूव करना पड़ेगा यहां तक ये यह सारा ऐसे लिख के ठीक है अब एक पेलोग्राम रोमबस का बनती है ऋतुजा

सी को बेटा मैं ए लिख सकता हूँ सर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं बी सी को एडी लिख सकता हूँ ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम ये क्या बन गया टू ए बी टू ए बी क्या बन गया ए बी किसके इक्वल आ गया हेंस प्रूफ ना यहाँ पे लाइन मेंशन करनी है पूरी प्रॉपर वी नो दैट ऑपोजिट साइड्स आप यार, इफ अ पेर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेलल ट्रामर इक्वल तब इक्वल आ रहेगा इज इक्वल आप यार है ना इज इक्वल देन पैरोग्राम इज रोमबस पैरेललोग्राम के ऑपोजिट्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दिए तो वो तो रोम्बस भी बन सकता है ना सर ये रोम्बस नहीं स्क्वायर भी बन सकता है ना पर एंगल भी 90 चाहिए ना स्क्वायर के लिए बेटा स्क्वायर में दोनों कंडीशंस करनी पड़ती हैं ऑल साइड्स भी इक्वल और ईच एंगल भी 90 okay. अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो सिर्फ वो रोम्बस बनता है स्क्वायर नहीं बनता यस सर वी नो दैट इफ अ पेयर ऑफ एडजसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल देन पैरेललोग्राम इज क्यों सर लास्ट सर इसके बाद मैं जा रही हूँ तेरी उम्र क्या हुई है तू तो जाने वाली सर जाना पड़ेगा ऐसे कैसे जाना पड़ेगा सर क्लास जाना है अच्छा क्लास जाना है मैं शायद दुनिया से जाना है नहीं सर इतने जल्दी और तू ही तो कह रही थी टाइम हो गया जाना पड़ेगा <laughs> फोर्टी फोर हो गए सर तो नाइन ओ जाना है तूने एट एट सर नाइन नहीं कल नाइन बोल रही थी तू सर एट बोला Sorry था इसने बोल बोला था ना yes, उसने ये बोला था झूठी नहीं sir, है eight चलो प्रूव दैट ये बेटा एपी प्लस तेरी अरे... जैसी है ना वो भी मुझसे ज्यादा है सर तेरे से ज्यादा है सर इसका मतलब ये एक्सेप्ट करती है कि ये झूठी है हाँ वो तो सभी होते हैं ना ये बात भी सही है मैं नहीं हूं सर ये एक ट्रायंगल है सर्कल इनसाइड बना है करवा दे बेटा कोई बात नहीं तू प्रूव करना है हमने सर, सर इसमें एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर किसके इक्वल आल्सो शो दैट एपी प्लस क्यू प्लस सी आर हाफ पैरिमीटर ऑफ एबीसी ये भी प्रूफ करना है सर इसमें पहले एपी इज इक्वल्स टू ए आर देखो ए पॉइंट से पॉइंटेंट एपी एंड ए आर है तो इनकी लेंथ इक्वल हो जाएगी यस yes. फिर इसके साथ क्या चाहिए बीक्यू बीक्यू किसके इक्वल बीपी साथ में सी आर सी आर विच इज इक्वल टू सी क्यू रीजन क्या आएगा साथ में टेंजेंट फॉर फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल फ्रोम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफल तीनों को ऐड कर दो एडिंग थर्ड तो एपी प्लस बी क्यू प्लस सी आर इसके इक्वल ए आर प्लस बीपी प्लस सी क्यू पहला पार्ट हो गया यस yes, सर यहाँ पे ए आर है ए पी कैसे लिख दिया ए आर है बेटा ए आर बी पी सी क्यू अब सेकंड पार्ट कैसे करें सर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी इस, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो इसको ऐसे रखेंगे हाँ ए बी को क्या लिख सकते हैं सर नीचे हाँ ए पी प्लस पी तो बी वेरी गुड AP प्लस BP. बी सी को सी आर प्लस ए आर ए आर प्लस सी आर यस सर पैरिमीटर एबीसी अपने प्लेस पे ऐसी रहेगा यस yes, सर अब देखो एपी हमें चाहिए एपी प्लस BQ. Uh, इसको रहने दो बीपी uh, प्लस सी क्यू प्लस ए आर तीनों सर्कल कर दिए इन तीनों का सम किसके इक्वल प्रूफ किया था हमने इसके। किया था ना एपी अपने तो प्लेस तो पे रहने दो रुक जा. सी आर ऑलरेडी अपने प्लेस पे थे। इन तीनों के सम के प्लेस पे हम ये फिल कर देंगे तो, तो ट्वाइस हो जाएगा ना मैं सीधा यहाँ पे ट्वाइस लिख दू बेटा बोलो में लेके जाए थैंक यू सो मच अब टली हो जा यहाँ से डंडी पे जा बाय सर बाय तो तू ओक्लर क्लास है ना हाँ जी Excuse बाकी me. मैं बताऊंगा ठीक है सर समझ नहीं आया ये वाला सेकंड लास्ट था बेटा ये सर्कल किए है ना मैंने गुरदेव जी सर इन तीनों का सम कितना है ठीक ठीक एपी बी के सी आर ऑलरेडी था तीनों का सम एक ये एक और आ गया तो ऐड करेंगे तो टू टाइम एपी टू टाइम बी के सी आर हो जाएगा ना मैंने यहां शॉर्टकट मार दिया बस yes, sir. तू गया नीचे चला गया हो गया समझे बेटा यस सर नाउ टेन सम यस इन द फिगर ऑफ क्वेश्चन नाइन मैं क्वेश्चन नाइन की फिगर से फिर से बना लेता हूं सर्कल यहां पर क्यों यहां पे P, यहां पे R। अब तो हमें कीवन क्या है कहते ए बी ए सी के इक्वल हो तो प्रूफ क्या करना है बी क्यो इज इक्वल टू सी क्यों ये प्रूफ करना है हाउ वी कैन डू इट कैसे करेंगे सर सर ए बी इज इक्वल टू ए सीवन है अच्छा ठीक है सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू ए सी बेटा Yes, sir. को क्या लिख सकते हैं सर ए बी को लिख सकते हैं एपी प्लस पी बी एंड ए सी को सर ए आर प्लस आर सी किसके इक्वल है सर बी पी के बीपी के इक्वल दिया हुआ है ah, नहीं सॉरी ए आर के A P, A के इक्वल है प्लस इज इक्वल टू ए आर प्लस आर सी सी

यहाँ देख बेटा ए बी तेरे को दिख रहा है फिगर में यस सर ए पी प्लस बीपी लिख सकते हैं ना यस सर ए सी दिख रहा है बेटा यस सर ए आर प्लस सी आर लिख सकते हैं यस yes, सर अब जो ए पी है बेटा यहाँ फिगर में देखो ए पी कहाँ कौन से एक्सटीरियर पॉइंट से है टेंजेंट ए yes. सी तो एपी और ए आर इक्वल आ जाएंगे बेटा यस सर तो मैंने क्या किया एपी के प्लेस पे ए आर लिख दिया और साथ में रीजन लिख दिया ओके सर ए आर ए आर कट हो गया बीपी किसके इक्वल आ गया आरसी के अब बीपी किसके इक्वल है बी के आरसी किसके इक्वल है सी के तो मैंने बीपी के प्लेस पे बी के लिख दिया ये देखो और आरसी के प्लेस पे क्या लिख दिया हो गया प्रूफ यस सर ठीक है यस सर सर एक सेकंड कर समझ आ गया बेटा ये सम यस yes, हाँ जी सर जो हमने बीपी इज इक्वल टू आरसी लास्ट वाले स्टेप में किया है वो हम सेकंड वाले स्टेप में नहीं कर सकते बीपी इज इक्वल टू आरसी तो है ही नहीं ना बेटा वो सेकंड स्टेप में कैसे sir? आ जाएगा बोलो हमें तो ये गिवन है ना बेटा हाँ ऐसे कर सकते हैं ए बी इज टू ए सी गिवन फर्स्ट इक्वेशन उसके बाद एपी इज इकल टू ए आर सेकेंड इक्वेशन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट सब कर दो इनको ए बी माइनस ए पी और यहां पे ए सी माइनस ए आर इस वे से एबी में से एपी माइनस करेंगे तो बीपी आ जाएगा ac में से ar माइनस करेंगे तो cr आ जाएगा bp cr के इक्वल उसके बाद तो यही स्टेप करना पड़ेगा ठीक है अगर ये नहीं करना तो ऐसे कर सकते हैं ओके सर नाउ विल रीच ऑन क्वेश्चन नंबर इलेवन रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर 6.3 एंड 3.6 स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इफ दे ये तो ओरल क्वेश्चन है एक्सटर्नली टच करें तो उनके सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा दोनों का सम 9.9 सेंटीमीटर अगर इंटरनली टच करें तो उनके सेंटर्स के बीच में क्या डिस्टेंस होगा ये 6.3 uh, है, mm है ये 3.6 है ये डिस्टेंस फाइंड है जो डार्क कर दिया 6.3 पॉइंट थ्री माइनस थ्री पॉइंट सिक्स थर्टीन माइनस सिक्स सेवन पॉइंट सेवन आ जाएगा ठीक है यस सर ये तो मतलब औरल ही है इसमें कुछ नहीं है ट्वेल्थ सम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल विथ सेंटर ओ टेंजेंट पी एंड पीवीआर ड्रोन प्रूव दैट दिस एंड ओपीपेंट फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड ए सर्कल एक सर्कल है उसके आउट साइड कोई पॉइंट पी ले लिया विथ सेंटर ओ पी ए एंड पीबीआर ड्रोन

पी ए पी बी के इक्वल चेंज इन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ओ ए ओबी के इक्वल रेड आए ओपी ओपी कॉमन ये कर लोगे बेटा ए ओपी ट्राइंगल कॉन्गुरेंट टू बी ओपी बाय एस रूल से हो जाएंगी बेटा yes. तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा तो देयरफॉर एंगल ए ओपी इज इक्वल टू एंगल बी रीजन CPCT. <laughs> अब उसके बाद ओपी एज पर पेंडिकुलर बाई सेक्टर ओपी एज ओ ए बी का पर पेंडिकुलर बाई प्रूव करना है फिगर फिर से बनानी पड़ेगी तो प्रूव हो जाएंगे ना कैसे ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल्स अच्छा तेरे को पता है सर Sir, जी गुड मॉर्निंग हमें कोई आवाज सुनाई नहीं दी ना किसी की भी नो सर दूसरा पार्ट गुड मॉर्निंग इप्सिता ओपीजेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी मतलब ए एम बी एम की इक्वल प्रूफ करना है एंड ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट जो है इसका ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग समझ आ गया बेटा no, नो सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुरुदेव सर भूल जाता है भूल जाता है नंबर भी भूल जा फिर सर इसमें बहुत वो क्या है सर परपेंडिकुलर का मतलब बेटा ये एंगल 90 प्रूफ करना है बाइसेक्टर मतलब ये इसके इक्वल प्रूफ करना है बस सर बाइसेक्ट कौन किसको कर रहा है ओपी देख लिखा क्या है ओपी बाइस इज परपेंडिकुलर बाइस सेक्टर ऑफ ए बी तो ए बी का प्रूफ करना है ना बेटा ये चीज प्रूफ करनी है तभी तो मैंने लिखी है ये अल्जेब्रिकली ठीक है ना हाँ छोटी ये दोनों एंगल इक्वल आ गए थे बेटा अब ये दोनों छोटी ओ एम कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ओ बी ये इसके इक्वल एंगल एंगल के इक्वल हमने प्रूव कर दिया ओ एम ओ एम कॉमन तो एस ए एस रूल से ट्रगल हो जाएंगी तो ए एम किसके इक्वल बी एम ये इसके इक्वल आ जाएगा रीजन सी पी सी टी और ये वाला थर्ड एंगल फोर्थ के इक्वल आ जाएगा ये भी सी टी गुरुदेव गुरुजी जी थ्री और फोर का क्या रिलेशन है सर लीनियर पेयर हाँ सर अलाइड एंगल नहीं हो सकते वो कैसे yeah. सर अलाइड एंगल कौन से होते हैं सर कौन से अलाइड मैंने तो पहली बार वर्ड सुना है अलाइड सर किए थे वो सेवेंथ और आई थिंक एट्थ नहीं मैंने तो नहीं मैंने अपने ट्वेंटी टू ईयर के करियर में तो नहीं किया कभी सर इंटीरियर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग और उनमें अलाइड एंगल्स भी होते थे एक अलाइड नहीं वो को इंटीरियर थे सर पता नहीं नहीं तो ये तो भूल जाता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है और वो अलाइड सेवंथ क्लास का याद रख कर रखा है तूने सर वो लिखा है अभी हफ्ता ही हुआ वो लिखा मैंने कहीं मैं मैम ने लिखवाया था ये वाले एंगल होते हैं बेटा

प्रूफ कैसे किया सर? अच्छा हाँ इक्वल एंगल सस्पेंड करता है ठीक है प्रूफ किया है बेटा फर्स्ट पार्ट में अच्छा एंड ओ एम ओ एम कॉमन ठीक है ठीक थैंक यू सर ऐसे ऐसे एंगल थ्री नाइनटी आ गया बेटा तो देयर फोर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया बाई हमने यहाँ प्रूफ कर दिया ये बॉक्स कर दिया और परपेंडिकुलर यहाँ तो लास्ट में लाइन लिख देंगे देयर फोर ओपी इज परपेंडिकुलर बाई ऑफ ए बी ठीक है समझ आया बेटा नहीं की तो बात ही नहीं सुननी बोलो सर आपने आज ये सारा चैप्टर कंप्लीट कराना है कोशिश तो है सारा नहीं हो पाएगा आधा ही होगा नहीं मतलब सर अभी मॉर्निंग में आप कितना कम्प्लीट कराओगे पता नहीं बता <laughs> दो सर नहीं पता बेटा ओके <laughs> okay, सर जब तक समझ आ रहा है बच्चों को टाइम तक करते रहेंगे ओके okay, सर क्यों टेंशन होगी तेरे को यस yes, सर क्योंकि अभी आप जो सम्स आ रहे हो ये मैंने कल ही किया है और फिर मैं जाने की सोच रही थी बट मैंने सेकंड एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट नहीं की है तो... नहीं फर्स्ट ही हो पाएगी बेटा अभी आज तो सेमी बहुत हैं 24 सम्स हैं चल फिर तो मैं जाऊं जाओ जाओ बाय जो बाय सर थर्टीन सम बेटा आह बदमनी यस सर तेरी आवाज़ को क्या हो गया सर मुझे सॉर्ट्रोट है अच्छा ए बी इज कॉमन टेंजेंट इन दोनों सर्कल्स की कॉमन टेंजेंट है ए बी ए एंड बी पॉइंट ऑफ कंटेक्स है टू प्रूफ गेवन में तो बस यही लिखना है ए बी इज द कॉमन एंजेंट ऑफ टू सर्कल विद सेंटर ओ एंड ओ डे टू प्रूफ टेंजेंट एट पी टेंट एट पी बाईसे बी यहां पे पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमने प्रूफ करना है ए एम बी एम इक्वल ये लिखा है ना टेंजेंट एट पी AB मतलब ए बी को बाइसेक्ट करती है ये प्रूफ करना है मैंने यहां पे एम पॉइंट ले लिया ए एम को बी एम इक्वल प्रूफ करना है दूसरा एंगल APB नाइनटी ये एंगल नाइनटी प्रूफ करना है हाँ जी पद्मिनी कैसे करें बोलिए बेटा सर हम 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 तुम सर पहले हम एम पॉइंट से बेटा एम एंड एम पी इक्वल होंगे यस सर और एम पी और एम बी भी इक्वल होंगे मुझे तरस आ रहा है तेरे पे क्यों सर तेरी आवाज सुन के सर होगा सर ठीक फ्रॉम इक्वेश फर्स्ट एंड सेकेंड एमपी एमपी के इक्वल है तो एम एम जाएगा यस सर ये हमने प्रूव करना था बी एम और एम बी द सेम थिंग पहला पार्ट हो गया अब क्या करें सर अब नेक्स्ट क्या प्रूव करना है इस एंगल को 90 प्रूव करना है एंगल एपीबी को सर एंगल देखो बेटा यहाँ पे यहीं पे कर देता हूं मैं ए एम एंड एम बी इक्वल है ना ये दोनों इक्वल है कि नहीं है बोलो यस yes, sir. पद्मनी को पूछ रहा हूं मैं भागी गई वो तो चलो आ, प्राची इक्वल है ना हाँ, सर तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे ना हाँ yes, ट्रगल प्रॉपर्टी एंगल वन इज इक्वल टू तो एंगल टू रीजन आइसोसल ट्रंगल प्रॉपर्टी सेम वे बी एम पी एम की इक्वल होगा हाँ यस सर ये है वैसे तो बीएम और इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे हाँ. इसके सामने ये वाला एंगल थ्री ले लो और four. इसके सामने फोर ले लो oh. थ्री एंड फोर इक्वल होंगे नाउ इस ट्रेंगल में तीनों एंगल्स का सम बेटा 180, 180. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेंगल इसको टू प्लस थ्री भी लिख सकते हैं या सीधा एपी भी लिख दिया तो, अब वन किसके इक्वल प्रूफ किया टू के फोर किसके इक्वल किया प्लस एंगल टू वन व्हाट इज टू प्लस एपीबी प्राची कोई बात नहीं मैं पूछूंगा बेटा आपसे इसको बोलने दो, एंगल एपीबी डिग्री एंगल एपीबी डिग्री हो गया प्रूफ सर आपने इतनी जल्दी किसी और को भी पूछ लिया सर वो जो एएमपी है वो 90 डिग्री हो सकता है क्या क्या बेटा एएमपी 90 डिग्री हो सकता है क्या मींस हम अज्यूम नहीं कर सकते ना सर एमपी 90 नहीं? कैसे हो सकता है ये तो लेंथ है नहीं नहीं एएमपी एएमपी नहीं ठीक है हां हो सकता है हो सकता है बेटा नहीं नहीं होगा प्रूव से. नहीं कर सकते हो सकता है मे बी बट डोंट नो कि है कि नहीं है ठीक है यस सर फोर्टीन साम बेटा यस mm, yes, प्राची so टेंजेंट एपीएन ए के आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ सबसे पहले हम फिगर साथ साथ ड्रॉ करते हैं एपीएन ए के ऊर टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए विथ सेंटर ओ

एपी और उसकी जरूरत नहीं है बेटा तो क्यूपीक् रेडिया be... yeah. हाँ. तो भी एंगल टू के इक्वल आईसोसलेंगल प्रॉपर्टी इसका रीजन रेडिया वन टू इक्वल आ गई इन तीनों एंगल का सम वन एटी तो मैं पीओ प्लस एंगल वन प्लस एंगल टू वन एटी रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पीओ क्यो प्लस वन प्लस वन लिख सकता हूँ बेटा टू को इक्वल तो तो प्रूफ इकौल. नहीं है तो एंगल पीओ प्लस टू एंगल वन किसके इक्वल आ गया वन एटी के इक्वल आ गया फर्स्ट इक्वेशन अब बेटा ये वाला एंगल कितना कौन सा सर ये पूरा OPA 90 ना रेडियस परपेंडिकुलर टू देंगल ये एंगल भी 90? हाँ चारों एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल के तो ये 90 है ये नाइनटी है तो इन दोनों का सम कितना बचेगा वन एटी ना ओ मैं सीधा लिख रहा हूं बेटा पीओ क्यू प्लस पी ए क्यू इज इक्वल टू वन एटी शॉर्टकट मार दिया मैंने ये नाइनटी वगैरह प्रूफ करके चारों का सम थ्री सिक्सटी करके mm -hmm. करना है आपने सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट देखो लेफ्ट राइट साइड इक्वल है ना मैंने सर्कल कर दी तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी ना पीओ प्लस टू एंगल वन इक्वल टू पीओ प्लस एंगल पीए के इससे ये कैंसिल हो गया तो टू एंगल वन वन एंगल कौन सा है ओपी के ऊ है इसके इक्वल

समृद्धि आंखें खोलो नींद आ गई नहीं सर क्या पूछ रहे हो मुझे स... समझा नहीं सर मुझे ये नहीं ये लास्ट वाला यस सर बच्चे ये पीओ के उस साइड लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा कट जाएगा ना हाँ, हाँ, और एंगल वन देखो ये देखो मार्क किया है ओपी क्यू है ना हाँ ठीक है सर हाँ, सर आपने टू एपी क्यू लिख दिया है ओपी क्यू के जगह ऊपर अच्छा यहाँ पे हाँ इसलिए उसको कंफ्यूजन हो रहा है ओके ओके वो था ठीक है यहाँ सही किया वहां पे गलत लिख दिया देख के गलत लिख दिया सॉल्व सही किया हाँ जी कोई पूछ रहा था सर मैं वही बोल रही क्या बोलो सर मैं वही बोल रही थी ऊपर गलत लिख दिया था अच्छा इफ्रू फिफ्टीन समिटा टू पैरल ऑफ ए सर्कल मीट अ थर्ड टेंजेंट एट पी एंड क्यू टू पैरल टेंजेंट रो कर लो कर लिया एक थर्ड टेंजेंट इसको ए और पी एंड क्यू पे कट कर है ये बना दी मैंने थर्ड टेंजेंट याँ पी, याँ पे P Q राइट एंगल एट द सेंटर पी के से ये वाला एंगल बनेगा ना बेटा पीओके ऊ इस एंगल को 90 प्रूव करना है। हैंगल पीओ क्यो इज 90. जो पॉइंट ऑफ कंटेक्ट है मैं ए बी सी ले लू बेटा कंस्ट्रक्शन इनको ज्वाइन करना पड़ेगा कर दिया हो गया तो रौनक हम इसको कैसे करेंगे ये दोनों पैरल एंजेंट हैं नहीं बताना सर जी फ्रा सर फिगर ही नहीं समझ आई फिगर क्यों नहीं आई देख जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे ड्रॉ किया है सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था टू पैरल टेंजेंट पैरल तो ऐसे ही बनेंगी ना मीट अ थर्ड टेंजेंट एट पी एंड क्यू एक और टेंजेंट इन दोनों को पी एंड क्यू पे कट कर रही है मीट कर रही है यही होगा ना ऐसे या yes, इस साइड से तो यहाँ पे p यहाँ पे q प्रूव करना है जो p q है वो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बना रही है हो गया सर तो ये आपने सबको को जॉइन क्यों कर दिया प्रूव करने के लिए इस एंगल को 90 प्रूव करने के लिए चलो समृद्धि यस सर ये दोनों ट्रायंगल्स कोंग्रेन्ट हो सकती हैं बेटा यस सर कैसे ये इसके इक्वल

अगर वो नहीं करना तो टेंजेंट्स आर इक्वली इंक्लाइंड इंक्लाइंट विथ पॉइंट ज्वाइनिंग विथ सेंटर तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा Yes, yes, अंग्रेज चले गए, बट एक चीज छोड़ क्या छोड़ छोड़ <laughs> क्या <गे. laughs> ये similarity का सिंबल है ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल आएगा yes, sir. Same, sir. ये कौन से एंगल है एंगल बीपीसी प्लस ए क्यू सी किसके इक्वल वन एटी के रीजन को इंटीरियर एंगल्स बीपीसी को बेटा मैं टू एंगल टू लिख दूं क्योंकि वन और टू इक्वल प्रूफ किए हैं उसी को टू एंगल थ्री लिख दिया एंगल 180 3. के इक्वल से टू कॉमन आ गया एंगल, 2. टू एंगल, टू एंगल, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री एंगल टू प्लस एंगल 90 आ गया अब इस वाली ट्रायंगल में ओपी क्यू में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी Off triangle, टू प्लस थ्री कितना प्रूफ किया है नाइन्टी नाइन्टी प्लस एंगल पीओ इक्वल टू वन एट्टी एंड एंगल कितना आ गया हमारे पास वन एट्टी माइनस नाइनटी यही प्रूफ करना था आपने समझ आया बेटा लिखा है, ना, जो होती है वो पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने पे इक्वली इंक्लाइंड बना करती है एंगल ये yes. दोनों एंगल इक्वल होते हैं यहाँ देखो yes. ये टेंजेंट्स हैं इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन किया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगी okay, अगर है ये है। नहीं करना बेटा ये बात ऐसे नहीं करना हम दूसरे वैसे भी कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स को कांग्रेन करके कैसे धैर्य देखो बेटा पीबी पीसी के के इक्वल है ओबी पीसीवल और ओपी ओपी कॉमन एस 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 रूल से दोनों ट्राइंगल्स कांग्रेन तो वन टू के इक्वल आ जाएगा वैसे भी कर सकते हैं ओके सर ओके सर नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन एबीसी राइट ट्रैंगल ए बी सी या सेंटर है बेटा सेंटर को इसके साथ ज्वाइन किया इसके साथ ज्वाइन किया इसके साथ ज्वाइन किया दिस इज ओ ये रेडियस एक्स दिया हुआ है है. है. हमें. ये 12 दी है, ये साइड साइड दी दी सबसे पहले हम बीसी फाइंड कर सकते हैं आ, एक मिनट समृद्धि के बाद सौरभ हम बीसी फाइंड कर सकते हैं आ, सर. आ, कैसे अच्छा, बीसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपोट्यून स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एसी की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर 169। एबी 12 है, 12 का स्क्वायर 144। तो बीसी माइनस किया 25 आ गया बेटा और स्क्वायर स्क्वायर रूट, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहां देखो बेटा ये नाइनटी है ये एंगल भी नाइनटी ये एंगल भी नाइनटी यहां पर मैं नेमिंग कर देता हूं पी क्यू आर मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर दी। मुझे ये बताओ, मतलब लिखना कैसे है ओपी पर पेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ आर परपेंडिकुलर टू ए बी रीजन सॉ अब इसका 33 फिर से बताना ये इस पे परपेंडिकुलर और ये इस पे परपेंडिकुलर इसका रीजन बताओ ना बेटा मुझे सर भूल गया हां जी 33 3 रेडियस टू द परपेंडिकुलर रेडियस इज टू द टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर टू टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हाँ ये तीन एंगल 90 फोर्थ एंगल ऑटोमेटिकली 90 होगा तो देयर ये क्या बन गया सर, क्या रेक्टेंगल बन गया सर, रेक्टेंगल अब रेक्टेंगल। ये इसके इक्वल है बेटा ना ओ ओपी इक्वल टू ओ यस सर एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो गया रेक्टेंगल का तो देयर सर ये तो स्क्वायर होगा ना उसके बाद लेना बेटा ओके सर फोर बीपीओ आर इज अ स्क्वायर स्क्वायर बन गया तो इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है ये भी एक्स आ गया ये भी एक्स आ गया देयर फॉर बी पी इज इक्वल टू बी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर नाओ की वैल्यू क्या आएगी सो फाइ फाइ एक्स माइनस फाइ फाइ माइनस एक्स आएगा फाइ बढ़ाये एक्स बढ़ाये फाइ बढ़ाये क्यों एक्स बढ़ाये सो फाइ साथ में ऐसे सेंटीमीटर सेमवे एआर किसके इक्वल आएगा गुड मॉर्निंग सर ट्वेल माइनस एक्स गुड मॉर्निंग ची सर ट्वेल माइनस शार भूल गई। बस अच्छी बात है फिर भूलो नंबर भी भूल जा। अब पे ये बताओ बेटा ये ट्वेल्व माइनस एक्स आ गया ए क्यों ए आर की इक्वल होगा ना यहीं पे लिख देते हैं और यहाँ पे पी सी सी क्यों यही पे लिख दो रीजन भी क्या लिख देंगे फ्रॉम

ट्वेल्व प्लस फाइव सेवनटीन माइनस टू एक्स इज थर्टीन माइनस टू एक्स को अपने प्लेस पे रहने दो थर्टीन सेवनटीन उस साइड जाके माइनस हो जाएगा माइनस टू एक्स वी गेट माइनस फोर माइनस माइनस इज कैंसल एक्स इज फोर अपॉन टू कट किया टू तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई टू आ गई तो दे हमने x ही फाइंड करना था ना हाँ रेडियस इज कलो एक्स इज कलो टू सेंटीमीटर साथ में लिख देना समझ आया कैसे करना है ये सब बेटा नो सर नहीं आया सर sure. वो आपने रेक्टेंगल जहां से प्रूव किया वहां से नहीं आया रेक्टेंगल तक आ गया सर रेक्टेंगल कैसे हुआ वो ये वाला एंगल 90 हमें गिवन है यस yes, सर ये 90 हो गया ये 90 हो गया सर कैसे ये क्या है सर रेडियस uh,

स्क्वायर स्क्वायर भी तो बनता है वो डायग्राम स्क्वायर भी तो बनता है अच्छे स्क्वायर तो तो बनता है जब चारों साइड्स इक्वल होती हैं यस सर अब मान लो किसी क्वार्ट ये ले ये दे अब तू मुझे ये, ये बता ये चारों एंगल 90 है तो ये स्क्वायर है नो no, सर नहीं ना हां अगर मैं इस साइड को इसके इक्वल कर दूं तो चारों साइड्स इक्वल no, हो जाते हैं है। वही तो चीज की है हमने नाउ ओपी ओआर के इक्वल है एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो तो वो स्क्वायर बन जाता है बस sure. उसके बाद उसके बाद तो कुछ भी नहीं स्क्वायर बन गया ये एक्स दिया है तो ये भी एक्स ये भी एक्स हो गया yes, ये टोटल साइड कितनी फाइंड की थी हमने फाइव फाइव में से ये माइनस कर दो ये पार्ट रह गया सीपी सीपी किसके इक्वल है सी क्यू के भी इक्वल है yes, ये ये ए ए आ गया आर आर इक्वल है की है sir, -X, -X. है है कि नहीं सर पूरी लेंथ कितनी दोनों का सम वही किया बेटा सर जो लेट आते हैं उसका कोई आंसर नहीं देना सॉरी सर सर एक बार बता दीजिए वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा तेरे को अभी इस कुछ समझ आएगा भी नहीं क्योंकि सिक्सटीन सम हो चुके हैं अब वीडियो देखना बाद में टाइम ना वेस्ट करो हमारा सेवनटीन इना ट्राइंगल ए बी सी इन सर्कल टच इज बीसी बी एट पी क्यू आर इन सर्कल बेटा टच इज बीसीड ए बी एट आर गिवन एंगल ए सिक्स गिवन है Q, o, R. एक तो ये वाला एंगल फाइन करना है हमने ये वाला दूसरा चौपीआर ये वाला एंगल फाइन करना बहुत इजी है इजी है कि नहीं है yes. देखो बेटा इन दोनों का सम ये क्या? 90 ये भी नाइन्टी

क्योंकि ये सर्कल पे लाई कर रहा है और इस सेंटर पे लाई कर रहा है ऑफ yes. एंगल ये वन ट्वेंटी टू नीचे चला गया एंगल क्यू पी आर एंगल सिक्सटी आ जाएगा एंगल सब बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल

ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट कर लें ऐसे ना करो मुश्किल से तो संडे आता है जिसमें फ्री टाइम होता है ये तो सेम ही आ गया ये क्वेश्चन तो सेम ही आ गया इसी में देख लो ये एंगल सिक्सटी दिया है बेटा क्यों ओ आर ये वाला एंगल फाइंड करना है ओ के आर ओ okay, oqr ये वाला फाइंड करना है और तीसरा qsr ये वाला एंगल फाइंड करना है ये दोनों एंगल तो वैसे ही जैसे ये किया था वही हो गया ना दोनों का 180 आ जाएगा ये एंगल yes. 120 आ जाएगा ये 60 आ जाएगा ये एंगल कैसे फाइंड करें ये दोनों इक्वल ट्रायंगल ये फाइंड कर चुके हैं एक्स प्लस दिस कर लोगे ना यस yes, सर हां जी सर ये 180 वाला आपने क्या बताया नहीं मैंने कुछ नहीं बताया सर बता दीजिए ना टाइम पे आया करो ए बी इज द डायमीटर वि सेंटर ओ सर इट It... कोई बात नहीं बेटा ऐसे कोई समझ नहीं आएगा अगर तू तो सोच रही है ना कि तेरे को अब समझ आ जाएगा तो चुप करके जाके सो जा के आध्या टाइम ना वेस्ट कर दे अपना समझे नो सर सर समझ आ गया सर वो पहला वाला अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले ये वाला एंगल 64 है तो यहाँ पे गुरुदेव ये वाला एंगल कितना आएगा सर लास्ट दो समझ नहीं आए मेरे को ये 32 आएगा कि नहीं आएगा सेवनटीन चैप्टर किया हुआ है कि नहीं किया सर उसके सिर्फ पांच क्वेश्चन किए हैं बाद में मैम ने कहा बस फिर रहने दे फिर रहने दे सर थ्योरम्स की हैं आपका एक कराया था आपने वो हां फिर एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल ये एंगल इसका डबल होगा तो ये हाफ हो, ये, हो जाएगा ना बाद में डिवाइड हो जाएगा 2 से हां सर मैं बताऊं ये 90 तीनों का सम सर 90 क्यों है तो क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर तो, तो ये एंगल आ जाएगा एक्स यस सर यस सर ट्वेंटी एथ इन क्वारेटर एबीसीडी एंगल डी इज नाइंटी यहां डी पॉइंट ले लिया एंगल डी नाइनटी बीसी थर्टी एट डी सी ट्वेंटी फाइव इस सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द्वारा सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दिस क्वारल विच टच इज ए बी एट क्यों अब ये इंस्क्राइब इंस्क्राइब है तो सारी साइड को टच करेगा ठीक है ए बी को कहां पे टच कर रहा है क्यों पॉइंट पे टच कर रहा है ये क्यों पॉइंट है क्यों बी इज ट्वेंटी सर dc 25 ट्वेंटी सेंटीमीटर है ना वो पहले सी लिखा sir. था हाँ जी सर मैं जाऊं तेरी उम्र क्या हुई है सर सर वो बाकी वीडियोस में देख लूंगा सर क्यों सर अभी सेवनटीन भी करना फिर इसके बाद ही शुरू करूंगा अच्छा पहले अभी 16, 17 सम समझ नहीं आए तेरे को सर नहीं सर सेवन चैप्टर करना है पूरा चलो कर ले फिर जाके ओके सर ओके बेटा ये बेटा ट्वेंटी सेवन ये थर्टी एट ट्वेंटी फाइव फाइन क्या करना है रेडियस ऑफ सर्कल जैसे हमने वो वाला सम किया था ना सेम टू सेम रेडियस को एक्स ले लेते हैं ले लिया ये भी एक्स ये भी एक्स होगा ना यस यस सर ये हमारे पास नहीं है सर थर्टी एट होगा ना नहीं बेटा वो कौन सा पैरलोग्राम है यस सर हाँ सर कितना टाइम और लगेगा जितना लगेगा ही वो नहीं लगना है सर फिर भी 24 सम्स है बेटा इसकी 20 पे पहुंच गए हैं सर करा दो जल्दी 10 मिनट क्यों सर पापा ड्यूटी पे गए हैं उनको कोई काम है आईडी कार्ड भूल के अपना वो देना दे, दे, दे है देखते हैं क्या ना नहीं तूने खेलने जाना है मुझे पता है सर कसम से झूठा खेलने बाद में जाना है अभी सर वो भी 27 हो जाएगा ना बी ये 27 हो जाएगा हम्म ठीक है थर्टी एट की तो जरूरत ये थर्टी एट कहां से ले लिया मैंने अच्छा ये थर्टी एट था ही नहीं ठीक है ये देखो बेटा ये जैसे पहले स्क्वायर प्रूफ किया था वैसे हो जाएगा वही सेम टू सेम प्रोसेस तो ये x आ गया ये कितनी आ गई ट्वेंटी x. X, तो तो x आ जाएगा ये ट्वेंटी है तो ये भी ट्वेंटी आ गया दोनों का सम थर्टी एट के इक्वल यस सर कर लोगे इसको अभी इसके बाद यस सर x की वैल्यू आ जाएगी दैट इज आ रेडियस चलो एक काम करना अभी इसके चार सम रह गए वो चारों सम खुद ट्राई करोगे अपने आप ठीक है कर लोगे यस yes, सर कर लेंगे कोशिश करना सर